गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको इससे पहले ये बताया था कि प्रैक्टिकल लिखा कैसे जाता है, आज हम लोग उस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि आखिर ये प्रैक्टिकल किया कैसे जाएगा, क्योंकि मेनली हम लोगों की इस समय क्लासेस बंद हैं, तो आपको एक चीज़ जानकारी होनी चाहिए कि आखिर ये प्रैक्टिकल क्या था या कैसे होता है। ठीक, तो सबसे पहले आपके फर्स्ट प्रैक्टिकल का नाम है टेम्प्रोरी माउंट ऑफ ओनियन पील टू शो सेल। टेम्प्रोरी क्या होता है? टेम्प्रोरी का मतलब ही होता है जो परमानेंट ना हो। बायोलैब में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे देखे होंगे बहुत सारी परमानेंट स्लाइड्स पड़ी होती है, जिसको बस माइक्रोस्कोप के नीचे लगाया और उसके अंदर जो मटेरियल है वो देख लिया। माउंट का मतलब होता है कलर करना। ठीक, तो टेम्प्रोरी कलरफुल एक स्लाइड बनानी है, किसकी? ओनियन पील की, जिसमें हम सेल के स्ट्रक्चर को देख सकें और स्टडी कर सकें। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले आपको पता था कि जब हमने आपको नेक्स्ट सेशन में बताया था कैसे लिखा जाता है प्रैक्टिकल, तो सबसे पहले चीज़ आती है वहाँ पे मेनली कि हम लोग सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखते हैं कि एक्सपेरिमेंट हमारा क्या कह रहा है। फिर हम लोग आते हैं ऑब्जर्वेशन के बारे में। सेकंड नंबर होता है थ्योरी। थ्योरी के बाद जैसे फर्स्ट हो गया कि हमारा एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन क्या है। ऑब्जर्वेशन के बाद नेक्स्ट नंबर लिखते हैं रिक्वायरमेंट, कि हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहले होता है ओनियन, क्योंकि उसी की पील निकालेंगे। फिर लिखा हुआ है नाइफ़ फॉर्सेप, और नाइफ़ और फॉर्सेप की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, बेसिकली हमारा उतने से ही काम चल जाता है। उसके बाद आती है स्लाइड। स्लाइड के बाद होता है कवर स्लिप। कवर स्लिप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर उसमें कलरिंग एजेंट की बात आती है, जिसको कहते हैं सेफ्रानीन। फिर ग्लिसरीन की बात आती है। फिर हम लोग प्रोसीजर लिखते हैं। प्रोसीजर ना भी लिखें तो भी हमको वो जानना चाहिए कि प्रोसीजर लिखा कैसे जाता है। वैसे रियल में जब हम प्रैक्टिकल लिखते हैं तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की बात लिखते हैं, फिर हम रिक्वायरमेंट की बात लिखते हैं, देन ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन के बाद कि मतलब हमें वो चीज़ें कैसी दिखाई दी, फिर हम लोग लिखते हैं उसका रिज़ल्ट, और फिर लास्ट में प्रिकॉशन। ये तो सारी चीज़ें आपको पता हैं कि हाँ हम लोगों को कैसे क्या करना है। प्रिकॉशन में जो आपको बनाते समय मेन ध्यान रखना है, वो ध्यान आपको ये रखना है कि जब हम लोग ओनियन पील की निकाल के स्लाइड पे रख रहे हैं तो वो ओवरलैप ना करे, क्योंकि अगर वो ओवरलैप करती है तो हमें दो चीज़ें आपस में मिक्स दिखाई देंगी और क्लियर स्ट्रक्चर सेल का नहीं दिखाई देगा। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर हम कलर कर रहे हैं, स्टेन कर रहे हैं, तो एक्सेस भी ना करें और लेस भी ना करें। एक्सेस होगा तो वो बहुत ज़्यादा डार्क दिखाई देगा और क्लियरली हमें ऑर्गेनेल वहाँ पे सेल का स्ट्रक्चर जो देखना है वो दिखाई नहीं देगा, और हल्का होगा तो एकदम वाइट सा दिखाई देगा तो भी उसकी क्लियर स्लाइड नहीं होगी। नेक्स्ट आता है प्रॉपर ग्लिसरीन को ऐड करना। अब इतना भी नहीं ऐड कर देना कि पूरी ग्लिसरीन बह रही है। लास्टली क्या होता है कि जब स्लाइड हमारी बन के प्रिपेयर होती है तो केवल वन ड्रॉप वहाँ पर ग्लिसरीन दिखाई देनी चाहिए, ताकि बस मटेरियल में मॉइस्चर बना रहे, ताकि क्लियरली वो चीज़ें ड्राई ना हो और हम देख सकें। ठीक, क्योंकि अगर स्लाइड हमारी गंदी होगी उस पर वाटर ड्रॉपलेट भी पड़ी रह जाएँ, ग्लिसरीन भी पड़े रह जाए, तो वो चिपचिपी सी हो जाती है, और जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो बहुत सारे ब्लैक स्पॉट दिखते हैं, तो हमें क्लियर स्ट्रक्चर ही नहीं समझ में आता कि कहाँ पे ओनियन पील का स्ट्रक्चर देखना है और कहाँ पे ये ब्लैक सर्कल दिख रहे हैं। ओके, क्योंकि रियल में जो ब्लैक सर्कल होते हैं वो वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट की वजह से आ जाते हैं। तो ये सारे मेन प्रिकॉशंस होते हैं जो हमें माइक्रोस्कोप में स्लाइड बना के देखते समय ध्यान रखना चाहिए। ओके, एक चीज़ और होती है कि जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वहाँ पे 45x की मैग्नीफिकेशन पे ही हम स्लाइड्स को ऑब्ज़र्व करते हैं। इससे ज़्यादा की मेनली कह सकते हैं, इससे ज़्यादा की फोकस पे हम स्लाइड को नहीं देखते। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है कि कैसे करते हैं। तो आपने भी ध्यान दिया होगा कि जो ओनियन होता है उसकी दो साइड होती है, एक उसकी पीछे वाली साइड और एक उसकी इनर वाली साइड। तो मेनली जब हम लीफ पील निकालते हैं या इनकी जो पील निकाल रहे हैं वो इनर वाले साइड से, मतलब जैसे ओनियन की अगर ये स्लाइड लिया, ये आउटर वाली साइड हुई जिसको कहा जाता है कॉन्वेक्स, और इनर वाली जो साइड हुई उसको कहते हैं कॉनकेव। और बेसिकली हमने जो लीव लिया है, इसकी पील, वो हमने लिया है इसकी इनर वाली साइड से।
इस तरह से निकालने का तरीका होता है, इनर वाले साइड को हल्का सा स्क्रैच करेंगे तो पतली सी एक लेयर देखो जैसे यहाँ पे दिख रही है, वो चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये आपका एक क्लियर पतला सा लेयर की तरह का स्ट्रक्चर निकल आया। इसी को हम लोग स्लाइड के ऊपर रखते हैं और सबसे पहले पानी में डिप कर देते हैं कि मटेरियल हमारा ड्राई ना हो। वहाँ से हम उसको प्रिकॉशन के थ्रू निकाल लेते हैं, मेनली बड़े सावधानी से निकाला जाता है। फिर ये सेफ्रानीन है, इस सेफ्रानीन में मेनली यहाँ से सेफ्रानीन की दो तीन ड्रॉप हम लोग निकाल के उस स्लाइड के ऊपर रख देते हैं और इसकी वजह से वो मटेरियल कलरफुल हो जाता है, पिंक कलर का हो जाएगा। 10 तक की काउंटिंग करके हम हल्का सा स्लाइड को टेढ़ा कर देते हैं जिससे जो सेफ्रानीन की ड्रॉप्स पड़ी हुई थी वो वहाँ से रिमूव हो जाती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं ग्लिसरीन। इस ग्लिसरीन की वजह से उसका जो मॉइस्चर होगा वो बना रहेगा और मटेरियल हमारा थोड़े समय के लिए रुका रहेगा ताकि हम उसकी प्रॉपर स्लाइड देख के स्टडी कर सकें। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।